अंदाजे से लगभग बीस लोग ना वट इज एस्टिमेशन यानी कि एस्टिमेशन होता क्या है जो अभी ऊपर हमने किया ना कि जब हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी चीजें होंगी यानी नियर अबाउट एग्जैक्ट तो नहीं उसके आसपास। तो हम उसको बोलते हैं एस्टिमेशन दैट मीन रीजनेबल गैस ऑफ एक्चुअल वैल्यू यानी कि हम किसी एक्चुअल वैल्यू का जब हम रीजनेबल गैस लगाते हैं जैसे मान लीजिए उसने बोला ट्वेंटी पीपल अगर इन बिटवीन मैंने इसको अभी तक नहीं काउंट किया कि कितने हैं चलिए एक बार काउंट कर लें ये अगर आप काउंट करेंगे तो कितने सत्रह पीपल मुझे नजर आते हैं लेकिन उसने बोला बीस तो नियर अबाउट बीस उसके आसपास ही है समझ रहे हैं मेरी बात तो इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन लगभग राउंडिंग ऑफ द नंबर्स या हम आ, कई बार कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए राउंडिंग ऑफ कर देते हैं जैसे अगर मैं बोलूँ नाइन्टी नाइन है और फोर्टी नाइन है ठीक है तो मैं उसको कैलकुलेट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन मैं नाइन्टी नाइन की जगह हंड्रेड बोल दूँ और फोर्टी नाइन की जगह फिफ्टी बोल दूँ तो मैं सीधा बोलूँगा कि वन फिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी बोल सकते हैं ना तो कई बार हम राउंडिंग ऑफ भी कर देते हैं और इसको हम गेस्टिमेट भी कहते हैं गेस्टिमेट का मतलब गैस प्लस एस्टिमेट उसको हम गेस्टिमेट कहते हैं समझ गए अब चलिए हम एस्टिमेशन करना शुरू करते हैं जैसे एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरस्ट टू टेंस ये वन टेंस और हंड्रेड्स तो आप तो को तो मालूम ही है कि प्लेस वैल्यू क्या होती हैं वन प्लेस तक या टेन प्लेस क्या होते हैं या हंड्रेड प्लेस क्या होता है तो अब हम अगर एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू टेन करते हैं तो हम कैसे एस्टिमेशन लगाते हैं और उसको कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं द नंबर वन टू थ्री फोर आर नियर टू जीरो सो दीज नंबर आर राउंडेड ऑफ टू द लोअर टेन यानी कहने का मतलब है कि जब हमें नियरेस्ट टू टेन एस्टिमेशन करना होता है तो हम यूनिट प्लेस देखते हैं किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस देखते हैं ये वाला नंबर अगर ये फाइव से कम है तो हम उसको पहले वाले टेन पर लेके जाएंगे नहीं तो अभी जो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम उसको नेक्स्ट वाले टेन पर लेके जाएंगे फॉर एग्जाम्पल इन नियरेस्ट टेन ट्वेंटी टू इज राउंडेड ऑफ टू ट्वेंटी यानी ये जो टू है मैंने नियरेस्ट टू टेन जब बोलना है तो हम केवल यूनिट प्लेस देखेंगे अगर वो फाइव से कम है तो हम उसको पहले वाले टेन पर लेके जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट वाले टेन पर लेके जाएंगे तो इसलिए हमने ट्वेंटी टू को ट्वेंटी पर सेट कर दिया राउंडेड ऑफ कर दिया साइड बाय साइड आप इसको भी देखो अलग अलग नहीं देखेंगे द नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आर नियर टू टेन अगर फाइव या फाइव से ज्यादा नंबर है यूनिट प्लेस पर तो हम उसको नेक्स्ट वाले टेन पर ले जाएंगे जैसे इन नियरेस्ट टेन ट्वेंटी सिक्स इज राउंडेड ऑफ टू थर्टी यानी आपने यूनिट प्लेस देखना है अगर ये फाइव या फाइव से ज्यादा है तो नेक्स्ट वाले टेन पर लेके जाना है तो ट्वेंटी सिक्स का बन जाएगा थर्टी दोनों चीज समझ में आ रही है अगर फिफ्टी फोर है इसको राउंडेड ऑफ करना है टेन पर है। तो हमने यूनिट प्लेस देखा ये फाइव से कम है तो हम इसको पीछे वाले फिफ्टी पीछे वाले टेन पर ले गए यानी कि और इन नियरेस्ट टेन एटी सेवन इज राउंडेड ऑफ करना है तो यूनिट प्लेस फाइव से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट वाले टेन यानी नाइनटी पर ले गए इस तरीके से हम टेंस में राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन उसका लगाते हैं फिर एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू हंड्रेड जब हमें हंड्रेड तक नियरेस्ट करना है उसको राउंडिंग ऑफ करना है या एस्टिमेट करना है तो हम लास्ट के टू डिजिट देखेंगे जैसे कि ये वाले टू डिजिट अगर ये नंबर फोर्टी नाइन फिफ्टी से कम है फोर्टी नाइन भी छोड़ दीजिए फिफ्टी से कम है तो हम पहले वाले पर लेके जाएंगे वही जैसे ऊपर किया फोर्टी अगर फिफ्टी से कम है तो हम उसको जीरो पे ले जाएंगे फिफ्टी या फिफ्टी से ज्यादा है तो हंड्रेड पे दैट मीन्स अगर थ्री हंड्रेड फोर्टी एट है तो ये फिफ्टी से कम है तो हम इसको थ्री हंड्रेड पर ही रहने देंगे लेकिन अगर फिफ्टी से ज्यादा है तो हम उसको नेक्स्ट वाले हंड्रेड पर ले जाएंगे जैसे इन नियरेस्ट टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी नाइन तो दो डिजिट जो सिक्सटी नाइन है वो फिफ्टी से ज्यादा है तो हम सिक्स को नेक्स्ट वाले हंड्रेड पर लेके जाएंगे तो बन जाएगा सेवन हंड्रेड इसी तरह से फाइव हंड्रेड थर्टी एट है तो ये फिफ्टी से कम है थर्टी एट तो हमने इसको फाइव हंड्रेड पर ही रहने दिया लेकिन नाइन हंड्रेड फिफ्टी है तो फिफ्टी क्या है फिफ्टी और फिफ्टी से ज्यादा अगर नंबर हैं तो हम उसको नेक्स्ट वाले हंड्रेड पर लेके जाएंगे तो नाइन हंड्रेड के बाद जो नेक्स्ट हंड्रेड होता है उसको हम वन थाउजेंड कहते हैं तो वो वन थाउजेंड बन जाएगा इसी तरह से एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू थाउजेंड थाउजेंड्स में करना है तो हमें लास्ट के थ्री डिजिट्स देखने हैं देख रहे हैं अगर वो फाइव हंड्रेड से कम है तो पहले वाले थाउजेंड पर अगर फाइव हंड्रेड से ज्यादा है या फाइव हंड्रेड और फाइव हंड्रेड से ज्यादा है तो नेक्स्ट वाले थाउजेंड पर जैसे इन नियर थाउजेंड 5,221 इज राउंडेड ऑफ टू 5,000 क्योंकि ये 500 से कम है ना ये थ्री डिजिट इसलिए हमने उसको नेक्स्ट पीछे वाले ही थाउजेंड पर रहने दिया लेकिन इस एग्जांपल में देखोगे नियरेस्ट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव इज राउंडेड ऑफ टू सिक्स क्योंकि 555, 500 से ज्यादा है इसलिए। तो इस तरीके से हमें उसको राउंडेड ऑफ या एस्टिमेट करना है फिर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे कि अगर सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एट है तो हमने राउंडेड ऑफ करना है थाउजेंड में तो हमें लास्ट के थ्री डिजिट देखने तो लास्ट में थ्री डिजिट देखे तो ये क्या है वन हंड्रेड एट जो कि फाइव हंड्रेड से कम है ना तो इसलिए हमने उसको सेवन थाउजेंड पर ही रहने दिया और अगर इन नियरेस्ट थाउजेंड में देखो एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी नाइन है तो ये फाइव हंड्रेड से ज्यादा है तो इसका मतलब हम इसको नेक्स्ट वाले थाउजेंड में लेके जाएंगे तो बन जाएगा नाइन थाउजेंड नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू टेंस जब नियरेस्ट टू टेंस है तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का ही नंबर देखना है तो एट एट जो है फाइव से ज्यादा है या कम है ज्यादा है तो हम इसको कर देंगे सिक्सटी फिर है वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तो जो लास्ट का डिजिट देखना है वंस प्लेस का फाइव या फाइव से ज्यादा है यस तो हम इसको क्या कर देंगे वन हंड्रेड थर्टी पर पहुंचा देंगे और सी वाले में देखोगे फाइव फोर हंड्रेड फिफ्टी टू यानी टू जो है वो फाइव से लेस है तो हम इसको क्या करेंगे फोर हंड्रेड फिफ्टी पर ही राउंडेड ऑफ कर देंगे क्वेश्चन नंबर टू राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरस्ट टू हंड्रेड अब हमें हंड्रेड को राउंड ऑफ करने के लिए हंड्रेड में राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट के टू डिजिट देखने पड़ते हैं याद है ना मैंने अभी आपको समझाया अगर ये फिफ्टी से कम है तो पहले वाले हंड्रेड पर नहीं तो नेक्स्ट वाले हंड्रेड पर तो अगर ये फिफ्टी से ज्यादा ज्यादा है ना सिक्सटी सेवन तो हम इसको कर देंगे फाइव हंड्रेड फिर नेक्स्ट सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू फिफ्टी टू जो है फिफ्टी से ज्यादा है येस तो हम इसको कर देंगे 800 और नेक्स्ट इज 1268 तो हमें कौन से डिजिट देखने हैं ये वाला डिजिट तो ये भी ज्यादा है 50 से तो हम इसको क्या बना देंगे 1300 दिस इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू थाउजेंड्स थाउजेंड्स के लिए हमें लास्ट के थ्री डिजिट देखने हैं अगर ये 500 या 500 से ज्यादा हैं तो हायर वाले थाउजेंड पर वरना लोअर वाले थाउजेंड पर तो ये फाइव हंड्रेड है हंड्रेड से ज्यादा है तो हम इसको कर देंगे टू थाउजेंड फिर नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन लास्ट के थ्री डिजिट फाइव हंड्रेड से ज्यादा है तो हम इसको पहुंचा देंगे टेन थाउजेंड पर सी वाला पार्ट वन लैख टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फोर लास्ट के थ्री डिजिट देखे टू हंड्रेड सेवेंटी फोर ये फाइव हंड्रेड से कम है तो हम इसको पीछे वाले थाउजेंड पर ही लोअर वाले पर ही रहने देंगे वे बन जाएगा ना क्वेश्चन आपने अपने स्कूल में जितने बच्चे हैं उनको क्या करना एस्टिमेट लगा के नियरेस्ट हंड्रेड में राउंडेड ऑफ करना है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं कहूँ कि किसी स्कूल में फोर हंड्रेड नाइनटी सिक्स स्टूडेंट्स हैं तो इसके हमें हंड्रेड में जब करना है तो टू डिजिट देखनी है तो नाइनटी सिक्स फिफ्टी से ज्यादा है तो हम इसको क्या कर देंगे फाइव हंड्रेड ऐसे ही आपको करना है अपने स्कूल के बच्चों का एस्टिमेशन लगाओ और उसको हंड्रेड में राउंडेड ऑफ करो सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आए तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें उसे ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच